గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, రాజకాహార సబ్జెక్ట్ స్టాండర్డ్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఈవీఎస్ చాప్టర్ నెంబర్ 16 ఓబీసీ మంత్ భాగ్ నంబర్ 13 అప్రిల్ 1936 కా దిన్ థా. డియర్ చిల్డ్రన్, ప్యారే బచ్చో, ఇట్ ఈస్ 3 o'clock ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. దుపహర్ కి కితనే బజే హై? 3 బజే హై. దేర్ ఆర్ నో క్లౌడ్స్ ఇన్ ద స్కై. ఆకాశ మే కోయి భీ బాదల్ నహీ థా. द सन इज बर्निंग हॉट. लेकिन जो सूरज है वो बहुत ही तपता जा रहा था. द स्पैरो, डॉव्स एंड सन बर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट. अपने अपने माले बना रहे थे. कौन बना रहा था? द स्पैरो, डॉव्स एंड सन बर्ड्स. डॉव मतलब कबूतर, स्पैरो मतलब चकली. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. उनके अलावा भी कुछ पक्षी थे जो उन्होंने पहले से ही अपने माले बना के रखे थे, अपने घर बना के रखे थे. इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैचेड. कुछ नेस्ट के अंदर, कुछ पक्षियों के घरों के अंदर जो अंडे थे उसमें से बच्चे निकल आए थे. हैचेड मतलब बच्चे निकल आना. द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स. उनके जो मम्मी पापा थे छोटे छोटे बच्चों के, वो क्या कर रहे थे? उनको खाना खिला रहे थे. चिक्स मतलब छोटे छोटे बच्चे. किसके बच्चे? तो बर्ड्स के. विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स. क्या खिला रहे थे खाने में? इंसेक्ट्स मतलब कीड़े एंड अदर थिंग्स, दूसरी भी चीज़ें खिला रहे थे. इन अ कोर्टयार्ड ऑल्सो. कोर्टयार्ड मतलब क्या? कोई पीछे का दरवाज़ा होता है, कोई खुली जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? कोर्टयार्ड. देयर इज अ बेबी डॉग. एक छोटा सा पक्षी था. और कौन था वो? बच्चा था वो डॉग का, कबूतर का. देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट. नेस्ट के अंदर दूसरा भी एक अंडा पड़ा था. बट इट हैज नॉट हैचेड यट. लेकिन उस अंडे में से अभी तक बच्चा निकला नहीं था. ऑन द वे टू गोपाल भाईज हाउस देयर आर सो मेनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड. गोपाल भाई का घर है, साइड पे एक रोड है, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे. इन द स्पेस बिटवीन दोज स्टोन्स एन इंडियन रॉबिन हैज लेड इट्स एग. तो रास्ते पे जो पत्थर पड़े थे उस पत्थर के बीच में किसके अंडे पड़े हुए थे? तो इंडियन रॉबिन, जो एक तरह का बर्ड है, ये हमें उसका पिक्चर यहाँ पे साइड में दिया है, उसके अंडे पड़े हुए थे. बच्चू भाई शोड इट टू मी. बच्चू भाई ने उस अंडे को मुझे दिखाया. आई लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर. लेकिन मैंने उस अंडे को कैसे देखा? बाइनोक्यूलर से मतलब एक दूरबीन जैसा होता है, जिससे कि दूर की चीज़ें नज़दीक दिखे. आई सो दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास. बाइनोक्यूलर से मैंने क्या देखा? कि वो जो नेस्ट है, जो बर्ड का हाउस है, वो किससे बना हुआ था? ग्रास मतलब घास से. ऑन टॉप देयर वेयर सॉफ्ट ट्विंग्स. सॉफ्ट ट्विंग्स मतलब क्या? पेड़ों में जो सूखी डाली होती है उसको ट्विंग्स बोलते हैं. रूट्स मतलब पेड़ों की जड़े. वूल मतलब रूई. है मतलब लोगों के हैं जो गिरे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं वो. एंड कॉटन वूल, ये सब लेके. वूल का मतलब है ऊन और कॉटन वूल का मतलब है रुई. ये सारी चीज़ें मिलाकर उन्होंने अपना नेस्ट तैयार किया था. दैट इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट. रॉबिन ने कैसे अपना नेस्ट बनाया था? तो सॉफ्ट विंग्स, रूट्स, वूल है एंड कॉटन वूल, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके उसने अपना नेस्ट घर बनाया था. व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक. ऐसे सारी चीज़ें इकट्ठा की है तो उसका घर तो कितना अच्छा, सुंदर और सॉफ्ट मतलब नरम होगा. द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो. क्रो की तरह रॉबिन दिखता नहीं है. दोनों में अंतर है. अ क्रो नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. Even species of wire and wool. लेकिन जो क्रो है, कौवा, उसका नेस्ट हमने देखा कि रॉबिन जो अपना नेस्ट यूज बनाता है चीज़ अलग अलग यूज करके, वो तो यूज करता ही है क्रो. लेकिन उसके अलावा भी क्या होता है उसके नेस्ट के अंदर? तो वायर होते हैं एंड वुड होता है. वायर भी होते हैं और वुड भी होता है, लकड़ा भी होता है. आई सो अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट. मैंने रॉबिन के नेस्ट के मतलब रॉबिन के घर के अंदर उसके माले के अंदर क्या देखा? छोटा सा बर्ड देखा. इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन. वो कैसे बैठा
चोंच थी, छोटे बेबी की जो चोंच थी, छोटे बेबी बर्ड की जो चोंच थी वो खुली करके बैठा हुआ था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। रॉबिन का जो बच्चा है उसका मुंह अंदर से कैसा था, तो रेड कलर का था। इन अ लिटल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक। क्या होता था, क्यों वो अपने बीक को ओपन करके चोंच ओपन करके बैठा था, क्योंकि रॉबिन था वो बाहर से कुछ लेके आता था और उसकी खुली चोंच के अंदर रखता था। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े भी हो सकते हैं। क्या डाल रहा होगा उसके मुंह के अंदर, तो कीड़े। बाय देन इट वॉज इवनिंग। ऐसा करते करते क्या हो जाती है, शाम हो जाती है। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक। अभी अंधेरा हो जाएगा तो रॉबिन कहीं बाहर जाएगा वो नहीं, वो अपने बच्चों के साथ उसके घर में, मतलब उसके नेस्ट के अंदर ही बैठा रहेगा। देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय, एक छोटा सा पेड़ था। इट हैज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। लेकिन इस पेड़ के अंदर एक नेस्ट था जो डाली से लटका हुआ था नीचे की तरफ। गॉड्स आर सो वंडरफुल एंड डिफरेंट। हम लोग देखें तो पक्षियाँ कितने अलग अलग जाति के होते हैं, दिखने में कितने सुंदर होते हैं। द क्रो बर्ड्स बिल्ट इट्स नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री। जो क्रो है वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाता है, तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली में। द डोव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थ्रोन्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज। तो जो डव है वो अपना नेस्ट कहाँ बनाता है, तो कैक्टस प्लांट मतलब वो कांटे वाला जो पेड़ आता है उस पे और मेहंदी के पेड़ों पे। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड ओन हाउस। स्पैरो ने देखा होगा कि वो लोगों के घर में अपना नेस्ट तैयार करती है, आप लोगों के घर में भी किसी के घर में स्पैरो का नेस्ट होगा। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनी वेयर। क्रो है अपना नेस्ट मतलब अपना घर कहीं पर भी बना लेती है। तो आज का जो इस चैप्टर में टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में